ये पुरानी नेहरू जैकेट है। बटन हैक बताता हूँ, मतलब अगर आप बाल एक दिन पहले कटवाते हैं या बियर्ड सेट करवाते हैं, बटन थोड़े फैंसी रख सकते हैं, एक पॉकेट स्क्वायर या ब्रोश। अब टॉप 11 चीजें क्या है सबसे। Hey guys, welcome back to my channel. This is Karan S. Dhingra, your own the formal edit. Shaadi is one of the most important days, चाहे वो खुद की हो, भाई बहन की हो, चाहे वो किसी दोस्त की हो, महीनों पहले तैयारी शुरू हो जाती है, वो एक्सेसरीज, मैचिंग जूते, चाहे वो सूट हो, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल वेयर हो, बहुत कंफ्यूजन रहती है क्या पहने क्या ना पहने। वो 11 टॉप आउटफिट जिसमें हर एक लड़का स्टाइलिश लगेगा और साथ ही साथ वो सस्ते में कैसे स्टाइलिश लगे, क्या वो हैक्स है, आइए बात। शादी की सबसे बड़ी गलती है ज्यादा शाइनी और चमक वाले कपड़े पहनना। दूसरा क्या है, स्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल इज अ गुड फिट। अगर फिट अच्छा नहीं है, कभी भी आप पे डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा, कितना महंगा डिजाइनर आप पहन ले, दैट्स अ बिग नो। सो फिट हैज टू बी वेरी गुड। उसके अलावा क्या, एसेसरी गेम आपकी खराब है, मतलब क्या आप मैच नहीं कर रहे अपनी वॉच को या शूज को, या आप पॉकेट स्क्वायर नहीं पहन रहे, या वॉच नहीं पहनते, या ब्रूश नहीं पहनते, मतलब क्या लड़कों के पास मिनिमल एसेसरीज होती है। अगर आप वो नहीं पहनेंगे, लुक इनकम्प्लीट हो जाएगी, सोने के बाद सुहागा नहीं बोल पाएंगे उसको, 100 नहीं दे पाएंगे हम उसको। उसके अलावा क्या दोस्तों, एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब अगर आप बाल एक दिन पहले कटवाते हैं या बियर्ड सेट करवाते हैं एक दिन पहले, 99.9% लोग यही करते हैं, शादी से एक दिन पहले चले जाते हैं सलून। नहीं, आपको 7-8 दिन लगते हैं वो बालों को वो लुक आने में, बियर्ड को वो लुक आने में। तो लेंथ से एक्सपेरिमेंटेशन 7-10 दिन पहले कराएं। अगर आपको करवाना है शादी से एक दिन पहले, तो बियर्ड को सेट करवाएं, उसकी लेंथ को नहीं, या साइड में जो एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं उसको हटवाएं। और ये चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, जो फिक्स आपने ट्रायंगल वाला या राउंड जो पॉकेट स्क्वायर बिल्कुल हिलता नहीं है, वो आपको कभी नहीं लेने। ज़्यादा पाइपिंग वर्क वाली चीज़ें, दैट्स टू ओल्ड फैशन, अब आपको अवॉइड करनी है। जो एक कर्व नेक बड़े बड़े होते हैं जिस पर ज़्यादा काम, शाइनी काम हो रखे थे, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब टॉप 11 चीजें क्या है, सबसे पहला है कि एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा, हमारे राजा महाराजा पहनते थे। आप दो तरीके से पहन सकते हैं, अगर किसी के क्लोज का फंक्शन है तो आप एक अचकन के साथ और नीचे पैंट्स के साथ पहन सकते हैं, बहुत क्लासी लगता है। अगर थोड़ा सा कैजुअल फंक्शन है, बहुत क्लोज नहीं है, तो आप कुर्ते पजामे के साथ पहन सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कोई स्टिच्ड वाले आते हैं जो दुपट्टे, वो आपको बिल्कुल नहीं लेने, बिल्कुल क्लासी नहीं लगते वो। दूसरा, एक नेहरू जैकेट और एक कुर्ता जो एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन मैंने पहना है, इसका लेवल शादी वाला कैसे बनाए, आपको करना क्या है, नेहरू जैकेट प्लेन, कुर्ता प्लेन लेना है, साथ में आपको क्या करना है, ब्राइट पॉकेट स्क्वायर। और दोस्तों गेम चेंजर क्या है, इसके बटन प्लेन सिंपल बटन नहीं होने चाहिए, गोल्ड या सिल्वर या कॉपर वाले बटन है वो लगवाएं इस पे अगर नहीं लगे हो तो, और साथ में एक ब्रोश लगवाएं, उसका लेवल अलग ही हो जाएगा। अगला आता है एक थ्री पीस सूट, सबसे क्लासी एक चीज है, उसको 2-पीस सूट के अंदर जब वेस्टकोट आ जाता है, उसका लेवल अलग ही चला जाता है। एक 3-पीस सूट को 100 out of 100 कैसे पहुंचाते हैं, 4 चीजें ऐड करनी है, एक अच्छी टाई, एक पॉकेट स्क्वायर, टाई पिन और कफलिंग, और टाई पिन और कफलिंग का कलर सेम रहेगा। अगला ऑप्शन आता है वेलवेट फैब्रिक की, बहुत क्लासी है, विंटर के लिए बेस्ट है ये, वेडिंग के लिए दो तरीके से पहन सकते हैं। अगर क्लोज की वेडिंग हो तो प्रॉपर सूट पे पहने ब्लैक ट्राउजर के साथ, अगर थोड़ी सी कैजुअल वेडिंग हो इसको टर्टल लेके हाईनेक के साथ पहने, बहुत ही क्लासी लगता है। अगला आता है जोधपुरी, वन ऑफ द मोस्ट क्लासी ऑप्शन पूरी लिस्ट के अंदर, 3 तरीके से रॉक कर सकते हैं आप जोधपुरी। सबसे पहला क्या, आप बिल्कुल प्लेन बेसिक पहने, साथ में फैंसी बटन, ब्राइट पॉकेट स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन, आप जो इसका बंद गला पहनते हैं, साथ में आपको क्या करना है, इसको वेलवेट का रखना है और नीचे जोधपुरी पैंट्स। तीसरा ऑप्शन, आप वन साइडेड एम्ब्रॉयडरी रख सकते हैं आपने अपर पे और साथ में नीचे जोधपुरी पैंट्स। और उसके बाद क्या, टक्सीडो इज वन ऑफ द मोस्ट क्लासी ऑप्शंस, जो इंग्लिश ऑप्शंस था लेकिन अब इंडिया में भी पहना जाता है। 10 out of 10 दूंगा टक्सीडो को, क्योंकि बहुत सेफ ऑप्शन है, शादी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर कई चीजों का ध्यान रखना है, इसका लेपल यानी कि कॉलर थोड़ा शाइनी रहता है, प्लेन नहीं रहेगा बाकी ब्लेजर के साथ। दूसरा, प्लेन शर्ट्स नहीं पहनेंगे, टक्सीडो शर्ट अलग आती है सस्ती, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, जहां स्टिच करवा रहे हैं आप टक्सीडो शर्ट ले सकते हैं, ऐसी दिखती है। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका बहुत शाइनी और छोटा नहीं होना चाहिए, मैट में और बड़ा वो होगा। अगला ऑप्शन है अचकन, जिसको हम बगलबंदी भी कहते हैं, बहुत अच्छा एक इंडियन क्लासिक पीस है, बहुत एलिगेंट लगता है। इसका लेवल आप कैसे लेके जाए, इसके बटन थोड़े फैंसी रख सकते हैं, एक पॉकेट स्क्वायर या ब्रोश ऐड कर सकते हैं और फॉर्मल शूज पहने, दैट लुक्स वे बेटर इसके साथ दोस्तों। और क्या कर सकते हैं, इसके बाद आता है शेरवानी। शेरवानी इज बेसिकली अगर आपके थोड़ा क्लोज वेडिंग है, आपके ब्रदर सिस्टर की, इवन आपकी वेडिंग है, तो उस पर थोड़ा वर्क ज़्यादा हो जाता है, लेकिन शेरवानी और अचकन में डिफरेंस रहता है ऑब्वियसली लेंथ का, उसके फैब्रिक जो होता है शेरवानी का, थोड़ा सा हल्का काम होता है उसके ऊपर, और साथ ही साथ इसका जो बॉटम है वेस्ट के नीचे, इसका फ्लेयर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इन दोनों में डिफरेंस रहता है। यह है शेरवानी के बेस्ट 2-3 ऑप्शन, इस टाइप की शेरवानी ले सकते हैं जिस पे ज्यादा वर्क ना हो। और दोस्तों क्या, इसके बाद आता है साइड कट कुर्ता या अचकन। बेसिकली आपके अचकन या कुर्ते पे साइड नेक या साइड कट आता है, दैट लुक्स वेरी ट्रेंडी और हटके अगर आपको लगना है। अगर आपको थोड़ा बेसिक लग रहा है कुर्ता, तो कुर्ते के आप फैब्रिक थोड़ा सा अच्छा ले सकते हैं, जैसे कि चिकनकारी वर्क ले सकते हैं, थोड़ा रॉयल लगेगा। और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके बटन्स आप फैंसी पहन सकते हैं या कोई ब्राइट वॉच ऐड कर सकते हैं।
कई लोगों के कल्चर में सुबह वेडिंग होती है, डे फंक्शंस होते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है ये तो ऑलरेडी पहन ही सकते हैं। इसके साथ अगर आपको एज चाहिए और अच्छा लगना है तो कई कलर्स हैं और कई फैब्रिक्स हैं जिससे आप निकल के हटके लग सकते हैं। चिकनकारी कुर्ता पहन सकते हैं, ब्राइट या पेस्टल शेड्स के, पेस्टल कलर सबसे ज़्यादा सन में निकल के अच्छे लगते हैं या डे टाइम में बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे कि पिस्ता कलर हो गया, स्काई ब्लू, बेबी पिंक। अगर आपको लगता है आपके इंडियन स्किन टोन पर कई लोगों को डाउट होता है नहीं जाएगा तो इस पर पूरी वीडियो बना रखी है एग्जैक्ट कौन से कलर जाएंगे। अगर आपको लगता है ये नहीं पहनना तो एक ब्राइट नेहरू जैकेट या पेस्टल जैकेट के साथ बेसिक कुर्ता पहन सकते हैं। उसके अलावा फ्लोरल्स बहुत एक अच्छा ऑप्शन है डे वेडिंग के लिए। आप फ्लोरल, आप बंद गला ले सकते हैं, फ्लोरल नेहरू जैकेट ले सकते हैं या फ्लोरल कुर्ता ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसके साथ एसेसरीज थोड़ी सटल रहेगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत कैची होता है फ्लोरल, तो साथ में जैसे ब्राउन या ब्लैक बेसिक सटल एसेसरीज रखें। अब आपको पैसे कैसे बचाने हैं, आप कोई भी पैडिंग फिट कराए, मतलब क्या कोई फादर का, ग्रैंडफादर का कोई भी खुला कोट नेहरू जैकेट हो, सब फिट होता है। आप फिट कराए 300 से 400 रुपये उस पर इन्वेस्ट करें फिटिंग में, लेकिन क्या होगा उसके जो बटन्स है वो चेंज कर दे और साथ साथ एक ब्राइट पॉकेट स्क्वायर ऐड कर दे, सूट है तो फ्लोरल टाई ऐड कर दे, वो नया सूट लगेगा, लुक एकदम चेंज हो जाएगी। ये पुरानी नेहरू जैकेट है, बटन हैक बताता हूँ आपको। इसके सिंपल बटन थे, मैंने बटन चेंज करा 50 रुपये के, अमेजोन से मंगवाए, आप किसी टेलर से भी ले सकते हैं और उससे क्या होगा वो 3-4 हज़ार वाली एक डिजाइनर जैकेट लग रही है। उसके अलावा क्या दोस्तों, दुपट्टा हैक बताता हूँ, लड़कियों के दुपट्टे बड़े महंगे आते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मदर या सिस्टर से मंगवा सकते हैं, लेकिन वो चौड़ा होना चाहिए, उस पर सितारों वाला काम नहीं होना चाहिए और कलर आपके थोड़े से बिटवीन में रहे, मतलब ब्लूज ग्रीन्स, ज़्यादा ब्राइट पिंक ना रहे, नहीं तो थोड़ा सा फेमिनिन लगेगा वो दुपट्टा। आप वैसा चौड़ा दुपट्टा ले सकते हैं एम्ब्रॉयडरी वाला जिसपे सितारे कम हो, सेम मैंने ये कैरी कर रखा है, इससे आपके पैसे भी बचेंगे। दोस्तों ये हमारी वीडियो थी इंडियन वेडिंग के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, सपोर्ट ही उतना ही दिखाना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।